प्रदेश में खनिज संपदाओं के अवैध उत्खनन, परिवहन और भंडारण करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। सरकार ने अवैध कार्यों में लिप्त लोगों के खिलाफ कड़े नियम बना लिए हैं, जिसके तहत आरोपियों को 2 से 5 साल तक की सजा, 5 लाख रुपए का अर्थदंड या फिर दोनों हो सकती है। सजा की जानकारी देते हुए प्रशासन द्वारा जगह जगह बोर्ड लगाए गए हैं और साथ ही जनपद पंचायतों में पत्र भेजकर लोगों के लिए नियमों की जानकारी दी जा रही है। छत्तीसगढ़ में खनिज संसाधन को अवैध रूप से दोहन करने वालों के खिलाफ शासन के कड़े नियम बना दिए गए हैं। अवैध कारोबार पर लगाम लगाने को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी, जिस पर अंतरिक्ष आदेश आ गया है। खनिज विभाग के अधिकारियों ने बताया कि रेत सहित अन्य खनिज संपदाओं का अवैध रूप से उत्खनन, परिवहन और भंडारण करने वालों के खिलाफ अब कड़ी कार्रवाई की जाएगी। पहले ऐसे कृत्य में लिप्त लोगों के खिलाफ केवल जुर्माने की कार्रवाई करके छोड़ दिया जाता था, लेकिन अब ऐसे लोगों को कोर्ट में पेश किया जाएगा, जहां से उन्हें 2 से 5 साल तक की सजा या फिर 5 लाख रुपए का जुर्माना या फिर दोनों हो सकता है। ऐसे नए नियमों की जानकारी देने के लिए विभाग द्वारा रेत घाटों के आसपास बोर्ड लगा दिए गए हैं। इतना ही नहीं, जनपद पंचायतों के माध्यम से लोगों तक यह बात पहुंचाई जा रही है कि खनिज संपदाओं का अवैध दोहन काफी महंगा पड़ सकता है। माधुरी जांगड़े की रिपोर्ट। नाम है आपके? लेना गाड़ी जानने था। नहीं भैया, नाम का है आपके? नाम का है? मुन्ना अरुण। अरुण भैया कहाँ के रहने वाला? मैं भिलाई की। ये बताओ का होते हैं यहाँ पास, का लेके जाता? का लेके जाता? अब जात नहीं, इनका मंदिर में लेके जा रहा हूँ, काम चला थे। बालू है अभी? बालू का तो माटी तो है, पूरा माटी। ये बता, अभी जो बालू जो है निकाले में प्रतिबंध किए गए हैं माइनिंग विभाग तरफ से, उसमें 5 साल के सजा का प्रावधान है, तो मैंने जानकारी है? जानकारी तो नहीं है भैया, चल खाली करो, चल नहीं ले जा। तब कैसे लेके जाता जानकारी है? कोई परमिशन या कुछ हवे? नहीं, परमिशन या कुछ हवे नहीं है परमिशन भैया। तब कैसे लेके जाता भैया? अब मंदिर पर ले जाता हम भैया, करा कैसे कर बताना। और भी तो इला दिक्कत है, ट्रैक्टर लगे नहीं वाला तो आए थे नहीं तो और भी ट्रैक्टर लगे रहते हैं यहाँ, यहाँ से बालू जाते हैं, यहाँ बालू नहीं जाए। एक जगह लगा बोलते हैं, जगह लगा बोलते हैं। माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर में अभी एक PIL दर्ज हुआ था, जिस संबंध में अंतरिम आदेश अभी जारी हुआ है। इसी आदेश के तारतम्य में हमारे खनिज साधन विभाग द्वारा अवैध उत्खनन, परिवहन और भंडारण पर कार्रवाई करने के निर्देश जारी हुए हैं, जिसमें ऐसे प्रकरण जो या ऐसे व्यक्ति जो बार बार इस पुनरावृत्त करते हैं ऐसे अवैध उत्खनन, परिवहन या भंडारण में, उनके खिलाफ अभियोजन दर्ज करने के लिए, जो कि हमारे नियमों में उसका प्रावधान है, जिसके तहत 2 वर्ष से 5 वर्ष की सजा अथवा 5 लाख तक का अर्थदंड अथवा दोनों से दंडित किया जा सकता है। इसके साथ साथ हमने संवेदनशील जो क्षेत्र हैं जहाँ पर अधिक शिकायतें मिलती हैं अवैध उत्खनन परिवहन की, ऐसे क्षेत्रों का चिन्हांकन कर वहाँ पर हमने मार्ग अवरुद्ध किया हुआ है, जैसे कि मोती सागर, भिलाई खुर्द, तरदा, भैंसामुड़ा, राताखार, ब्रह्मपुर, कसरेंगा, कुचैना। मार्ग अवरुद्ध करने के साथ साथ यहाँ पर हमने जो अभी सजा के प्रावधान हैं हमारे नियमों में उनका उल्लेखित करते हुए नोटिस बोर्ड भी वहाँ पर चस्पा किया हुआ है, ताकि लोगों को इस संबंध में जानकारी मिल सके। इसके साथ साथ प्रत्येक ग्रामों में भी लोगों को इन नियमों के बारे में जानकारी मिले और वो अवैध उत्खनन परिवहन में सम्मिलित ना हो, इस हेतु हमने सभी संबंधित जनपद पंचायतों को पत्र जारी किया है, जिसके माध्यम से वो मुनादी कराएंगे और गांव में इसका प्रचार प्रसार करेंगे। साथ ही नगरीय निकाय में भी इसका प्रचार प्रसार नगर निगम द्वारा किए जाने हेतु पत्र जारी किया गया है।